वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। शादियों का सीजन चल भी रहा है, अभी मुहर्रम चुके शुरू हो जाएगा, उससे पहले पहले लोगों की कोशिश है कि जितने शादी के फंक्शन हो जाए बेहतर है। तो जनाब आज हम ड्रेसेस के हवाले से बात करने वाले हैं, मेकअप के हवाले से बात करने वाले हैं, और आज दोनों जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत खास हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब सना अहमद, डिज़ाइनर है, अक्सर मैं ईद की ट्रांसमिशन में इनके कपड़े पहनती हूँ, और आज भी अपने कपड़े भी लेकर आई है, खुद भी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो सना, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं भी बिल्कुल ठीक जी। सना तो हमारे साथ मौजूद है, उसके साथ साथ हमारे पास ब्यूटिशियन भी होंगी और हमारे पास एक मॉडल भी होंगी। ब्यूटिशियन है मोना शहजाद, उनको भी वेलकम करेंगे। मोना कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज आप हमें सही तैयारियों के हवाले से बताने वाले। ठीक है, ठीक हो गया जनाब। मेकअप में भी डिस्कशन करते सना, क्योंकि अब ट्रेंड भी चल पड़ा है कपड़ों और हैवी जोड़े। मतलब हमारे दौर में तो वो सादे सूदे पहन के गुजारा कर लेते थे, अब तो बाकायदा तौर पर प्रॉपर इत्तेमाम होता है। कलर्स काम कैसा चल रहा है? कलर्स काम इस तरह का चल रहा है कि कलर्स अब बोल्ड आ रहे हैं, बोल्ड आ रहे हैं। अब बोल्ड लोग पसंद भी कर रहे हैं, सर्दियां भी आने वाली है आपको पता है, तो शादियों का सीजन होगा, बोल्ड कलर्स, ब्लिंक ब्लिंक काम और फुल लोडेड कपड़े चल रहे हैं कामों वाले। अच्छा, देखें अब स्टाइल और कट्स चल रहे हैं, लॉन्ग में चल रहे हैं कुछ चीजें जैसे गाउन्स हैं, बाकी चीजें हैं, और बाकी बिल्कुल शॉर्ट और स्ट्रेट पैंट्स अब काफी आ गई हैं। शरारे गरारे तो वैसे ही नहीं जा रहे, वो तो इतने मुझे लगता है वो ऐसे अच्छा लगते भी बहुत अच्छे, वो ट्रेडिशनल लगते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं, वो एक लुक देते हैं वाकई में। शरारे गरारे हो गए, लहंगे हो गए, तो ये तो ऐसे हैं, बेसिक्स हैं। अच्छा सर, कल भी मैं देखी थी टीवी के ऊपर एक खातून ने पहना हुआ बिल्कुल प्लेन लहंगा, लेकिन वो लहंगा फॉल वाला था और वो इतना क्लासी लग रहा था कि पता नहीं लग रहा था कि ये सिंपल है, और वो ऐसे लग रहा था कि प्रॉपर तैयार। अच्छा, ये होता है कि कैरी करने की भी बहुत बात होती है, आप अगर प्लेन चीज पहने हुए और कैरी आपने ऐसा किया ना उसको अच्छे से, मतलब कुछ ज्वेलरी के साथ या किसी भी चीज के साथ, मेकअप के साथ, आप मैं कहती हूँ कुछ भी, आप वैसे ही ग्रेसफुल लगेंगे। अच्छा, अक्सर से ना डिजाइनर शिकायत करते हैं, हमने इतनी मेहनत से ड्रेस बनाया था, ये था, क्लाइंट कैरी नहीं सही से किया, ये होती है शिकायत? ये होती है, बहुत दफा होती है। ये है, थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है उनको, लेकिन ये है कि कर लेते हैं। अच्छा, वैसे आप गाइडेंस कर देती हैं साथ? मैं बड़ा आराम से उनको गाइड करती हूँ, बड़े तसल्ली के साथ, बाल ऐसा मेकअप करना है इसके साथ जी, तो वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। बल्कि मैं एक मीटिंग इसीलिए ही रखती हूँ कि अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेश्चंस पूछने हैं या कोई भी डिटेल पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, इसके अकॉर्डिंगली दुपट्टा किस तरह सेट करें, ये किस तरह आइडिया देना पड़ता है, क्योंकि डिजाइनर जो है एक स्टाइलिस्ट भी है, उसको पता होना चाहिए कि अच्छा वो माइंड में रख के आप बनाते हैं। अच्छा, काम की भी बात करें ना, किस तरह का काम चल रहा है आजकल? क्रिस्टल्स ज्यादा इन हुए में, क्रिस्टल्स ज्यादा इन हुए में, क्योंकि क्रिस्टल्स में डिफरेंट वैरायटी चल रही है, तो मिक्स काम चल रहा है वैसे तो, लेकिन ये है कि हाँ आप अली बात के भरा हुआ काम और इस तरह के काम ज़्यादा चल रहा है। मेरा मेन फोकस कट्स और उसमें रहता है, इस वजह से मैं मिक्सिंग में जाती हूँ हमेशा, तो ये चीज़ें आजकल काफ़ी चल रही हैं। ठीक हो गया। मोना भी हमारे साथ मौजूद है, मोना किस तरह का मेकअप आज आप करने वाली हैं? आज पार्टी मेकअप करेंगे, क्योंकि आपको पता है शादियों का सीज़न है और मौसम भी जो गर्म है, और सबसे ज्यादा मसला होता है जी हमारी जो बेस है वो ठहरती नहीं है, तो आज हम लोग बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप करेंगे और बताएंगे कि बेस को हमें ज्यादा चेहरे पे ज्यादा बेसिस नहीं लगानी है, बस एक दो में हमारी सॉफ्ट बेस जो है वो कंप्लीट हो जाए और हम अच्छे लगे। ठीक है। अच्छा, ये जो भी आपने मॉडल के बेस लगाई है किस तरह की है? ये लिक्विड है, पैनकेक है? नहीं, मैंने लाइट सा जो है लिक्विड को नहीं यूज किया, मैंने इसको कंसीलर, ठीक है, इसको थोड़ा सा ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है मेरी जो मॉडल है, तो इसको थोड़ा सा कंसील से किया है प्राइमर के बाद, और थोड़ी सी बेस ऐड करके उसके ऊपर पैनकेक, अभी मैंने पैनकेक का टच नहीं दिया, सिर्फ अभी लूज पाउडर एप्लीकेशन दी है, बाद में पैनकेक लगाऊंगी क्योंकि अभी मैंने आईज मेकअप कंप्लीट कर लूँ, बाकी फाइनल फिर बाकी फाइनल लुक करेंगे। चले मोना मेकअप करें, हम जरा सना उठ के ड्रेसेस की जानिब आते हैं ना, और हम जरा ड्रेसेस की भी बात करें जनाब, तो ये मैं इस तरफ आती हूँ। अच्छा सना, ये सबसे पहले मुझे वजनी बहुत दिन आती है, आपको पता होगा ये क्या है जनाब? ये लहंगा है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत कलरफुल सा। अच्छा, ये और ये उसके साथ टॉप है। तो सना, ये काम किस तरह का है ये भी हमें बताएं, कलर तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत है। पर्ल्स के साथ, ठीक है, पर्ल्स के साथ और इसको सितारे के साथ, और इसके अंदर मैंने गोटा पत्ती भी यूज करवाई है, वो इस वजह से कि डिटेल्स अच्छी लगे और एक वो
मेहंदी का लुक नहीं आता वैसा वाला लग रहा है, प्यारा लुक है। जो ये कलरफुल सी चीजें ना, ये बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करी, क्योंकि कलर वक्त से खवातीन शिकायत भी करती है डल कलर नहीं चाहिए, ब्राइट जो पिंक और इस पे फिरोजी का वो एक आ रहे ना, वो बहुत अच्छा आ रहा है। फिर मैंने ये ऊपर कलर्स का टच दिए क्योंकि बैलेंस रहे और समटाइम्स ज्वेलरी भी अगर आप नहीं कैरी करना चाह रहे तो मेरे ख्याल से आप इस तरह झुमके पहन सकते हैं। देखिए मैं भी आती हूं थोड़ी थोड़ी हेल्प करने, ठीक हो गया जनाब। ये तो बड़ा हेवी ड्रेस है, इसको पकड़ने में भी थोड़ी मेहनत चाहिए। एक ये है जैसे लॉन्ग्स में मैंने कहा क्लिप काफ्तान। हाँ जी, अच्छा काफ्तान पहले बहुत चले थे और अब दोबारा से होना शुरू है, बहुत दिन हो गए, अब गाउंस में आ गए ना काफी। हाँ, क्योंकि पहले जब मैंने एक बार बहुत पहले की बात है काफ्तान बनाया था तब बहुत ट्रेंड में था, फिर बीच में ब्रेक आया और अब फिर मैं देख रही थी जैसे आपके कपड़े और भी आप विजिट करो तो आपको पता लगता है कि बहुत ट्रेंड पे आ गए, काफी चीजें आ गई। लेकिन ये लॉन्ग है लेकिन बहुत लाइट वेट है, ये बहुत लाइट वेट है, इसको कैरी करना बहुत आराम से कैरी हो जाता है और बिल्कुल मतलब टेंशन नहीं है, सूट उठा के घूम रहे बिल्कुल। इसकी लाइनिंग वगैरह का कभी हमें बताओ थोड़ा सा। लाइनिंग मैंने सिल्क में रखी हुई है इसकी, बड़ी स्ट्रेट में अच्छी सी रखी है फिटिंग में, ताकि ये ऊपर फ्लेरी है ना तो ज्यादा बल्की लुक ना आए, बिल्कुल ऐसा ही। इसलिए कौन से इवेंट पे चल सकता है ये, वलीमा पे भी चल सकता है ये, आप किसी वो ब्राइडल शार वगैरह पे, ब्राइडल शार पे पहन सकते हैं, लवली लवली तो ये उस पे काफी अच्छा लगेगा। ये मेन डेज के लिए नहीं है लेकिन ये वो है कि जैसे आप चौथी की रोटी हो गई, एंगेजमेंट वगैरह वो इस तरह की चीजें चल जाएंगी, ठीक हो गया। ये भी अच्छा भारी भरकम जोड़ा है नाजरीन। अच्छा इसके साथ है जनाब ये पैंट्स, शरारा पैंट और ये हेवी सी शर्ट है इसके साथ, और वो प्लेन शरारा पैंट्स ऑलमोस्ट, नीचे टसल्स ऐड किए हैं, उसके नीचे शिमर शिफॉन में ऐड किया हुआ है, वो इस वजह से कि वो इसके साथ बैलेंस करे और सी थ्रू ना रहे, ठीक हो गया। दूसरा ये इसको यहाँ ही हैंग कर देते हैं, इसके अंदर बहुत सा काम किया हुआ है, क्रिस्टल वर्क, चेन लगी हुई है, काफी चीजें मिक्स की हुई है। तो सना ये एक शर्ट वगैरह मतलब अक्सर समटाइम्स आप इसको अगर प्लेन के साथ भी कैरी करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, पैंट्स नहीं पहनना चाह रहा इसको आप प्लेन स्ट्रेट सिगरेट पैंट्स के साथ आप बहुत अच्छे लगेगा, बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ भी ना हो, अगर आपको चाहिए तो पॉन्चो पे काम करवा लें, नहीं तो कुछ स्मार्ट करें, और वो बहुत स्मार्ट। अच्छा शर्ट इतनी भरी हुई है तो मेरे ख्याल से इसके साथ वो इतनी बहुत सारे लोगों की होती है ना कि हम इतने लाइट हैं, लाइट मोटी लगती है हमें ये होता है, तो क्या वाकई शरारा वगैरह से आती है लुक ये है? अगर ऊपर स्ट्रेट में है ना फिर तो इतना नहीं वो मैटर करता। वो इतना मैटर नहीं करता, ऊपर भी फ्लेरी है नीचे भी फ्लेरी है फिर मैटर करता। फिर आप स्ट्रेट पैंट्स में ही नहीं मिटूंगी, ये भी मैं देखना चाहूंगी। ये तो आप सेमी फॉर्मल सा एक वेयर, ये सेमी फॉर्मल सा है, इसके साथ पैंट है, इसका गला कितना खूबसूरत है और ये ऊपर जैकेट है और नीचे इसके साथ पैंट्स और ये अच्छा स्ट्रेट पैंट्स है सना? नहीं थोड़ी सी मैंने लूज में रखी है, लूज में रखी है, जिस तरह कलर बहुत समर्स वाला है वो ये इस तरह की पैंट्स जैसे शॉर्ट पैंट्स क्रॉप पैंट्स होती हैं वो चल रही हैं, शॉर्ट शर्ट्स के साथ और ऊपर ये वाली जैकेट आ जाती है, जैकेट बहुत स्मार्ट लग रही है वैसे। अच्छा ऐसे ना समर्स की वेडिंग के लिए अक्सर खवातीन का ये होता थोड़ा कपड़ा हो वो शिफॉन में हो या वो कोई भारी भरकम ना हो, तो क्या स्टफ कौन सा यूज करते हो स्टफ समर्स में? समर्स में तो आजकल तो ऑर्गेन्जा शिफॉन ही चल रही है, यही चल रही है, ठीक हो गया, नेट शिफॉन ऑर्गेन्जा। अच्छा जी हमारे पास एक और जोड़ा भी हम चाहेंगे, ये भी दिखा दे हम हमारे पास। अच्छा ये आपकी लेटेस्ट कलेक्शन में से है? मेरी लेटेस्ट कलेक्शन में से। ये देखें जनाब ये भी कुछ काफ्तान टाइप ही स्टाइल है ना? हाँ जी नहीं ये है उसमें पोंचो स्टाइल में, केप में, केप में है, केप और पोंचो स्टाइल में है, इसका मैंने ऊपर काम करवा कर बीड वर्क करवा कर और फिर मैंने इसको थोड़ा सा समर में दे दिया है लाइट कलर। सारे पेस्ट्रीज है सब तो कोई वो बहुत कम होता है कि आप मेन फंक्शन के लिए कोई ब्राइट कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं। सना ये जो पीछे ड्रेस है ये भी मैं दिखाना चाहूंगी, ये किस तरह का है? ये पेप्लम है, ये पेप्लम मुझे इतने पसंद आए ना, और इसके साथ स्ट्रेट पैंट रखी है, स्ट्रेट पैंट्स, तो इस वजह से कि अगर कोई लेना चाहे कैरी करना चाहे थोड़ी सी अगर हेवी साइड पे भी है कुछ खातून तो वो स्ट्रेट पैंट बहुत कवर हो जाता है, अगर शर्ट आपकी खुली है तो जनाब आपको आपकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंगली ड्रेसअप होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। मैंने अक्सर खवातीन को सॉरी कोई मैं किसी को फेंड नहीं करना चाह रही, अगर आपकी थोड़ी बॉडी फिजिक थोड़ी चौड़ी होती है
तो आप इतने खुले खुले कपड़े ना पहना करें, नॉर्मल फिटिंग के साथ पहनेंगे तो वो ज्यादा. लॉन्ग शर्ट्स और ये पेपलम्स का सना में एक फायदा तो हुआ है कि हमारी आधी मुश्किलात हल हो गई हैं. बहुत मोटी खवातीन की जो हेल्दी होती है ना थोड़ी सी. मोना क्या कर रही हैं आप? आईज का मेकअप कर रहे हैं. किस तरह का मेकअप आपने किया? लाइट स्मोकी सा करूंगी क्योंकि ड्रेस थोड़ा सा हैवी है. ठीक हो गया. तो ज्वेलरी भी हैवी है. तो चाह रही हूँ थोड़ा सा जगमग जगमग आंखें जो हैं शिमरी. आजकल लोग पहनते हैं कैसी लगाएंगे? सॉफ्ट में ले जाएंगे लिपस्टिक, जरा सॉफ्ट में कर लेंगे हम लोग. ठीक हो गया, ठीक हो गया. ये देखिए जनाब. और अच्छा, ये हमने जो बेस वगैरह जो भी फाइनल टचेस है वो आप देंगी? वो अभी हमने देनी है. ठीक हो गया, ठीक हो गया. अच्छा, कॉन्टूर कितनी आप मोना फोकस रखती है? क्योंकि अक्सर आजकल खावतीन की डिमांड होती है कॉन्टोरिंग बहुत ज्यादा. कॉन्टोरिंग का ही सबसे बड़ा जो है ना वो इश्यू होता है. कॉन्टोरिंग मस्ट है. पहले जब मेकअप होते थे तो उसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन, बस ब्लशन लगाया, लिपस्टिक लगाया, बस जी आप फ्री हो गए. लेकिन आजकल हमारा माशाल्लाह जो हमारी मीडिया है उसने हमारी जो बच्चियों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस दे दी. वो सबसे पहले सलोन में आने के बाद कहती हैं कि जी हमारा फेस, हमारी चिन, हमारा फोरहेड, इसको आपने कंट्रोल करना. हाँ, तो ये अब हमारा जो है ना बहुत ज्यादा जो मेन इशू है ना वो हमारी कंट्रोलिंग का है. तो वो मेरे ख्याल में कंट्रोलिंग से ही आधे से ज्यादा इंसान जो है ना वो चेंज हो जाता है. नो डाउट ऐसा ही है. सना, कुछ मैसेज देना चाहे इस वेडिंग सीजन के हवाले से या जो भी कपड़ों के हवाले से टिप्स हमारे देखने वाले? आप लोग आए ना, अगर आप लोगों को नई भी शॉपिंग करनी तो आप एक दफा कंसर्न कर लें डिजाइनर से कि आपको क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए. अगर आपको समझ नहीं आ रही कुछ भी चीज तो आप आए, डिस्कस करें, जरूर कंसर्न करें. डिजाइनर उस चीज के पैसे भी नहीं लेता और दूसरा ये कि वो अच्छी भी लगती है और वो आप लोग के लिए ही है. मतलब बेसिकली हम लोग अपनी चीजें रखते ही इसलिए कि कोई बात नहीं, आप लोग आए, आप लोग मीटिंग करें और आप लोग को अच्छा गाइड अच्छा लगेगा. जरा आप सना का आउटलेट ले डिफेंस में आप जरूर विजिट करें और सना से भी आप कंसल्ट करें. मोना आपकी जानिब से फाइनल हो गया मेकअप? नहीं, बस थोड़ा सा रह गया. लिपस्टिक कौन सी अप्लाई करेंगे क्योंकि हम ब्रेक लेने लगे? लिपस्टिक में लाइट पिंक कलर, लाइट पिंक अप्लाई करेंगे. थैंक यू सो मच सना, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जनाब. और हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे पास टैलेंट योगा जिससे आपकी मुलाकात करवाएंगे.